हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आप दूध रोज़ पीते हैं तो उसमें उसकी सफ़ेदी का क्या कारण होता है। दूध हमेशा सफ़ेद होता है और उसकी सफ़ेदी का क्या कारण होता है, क्यों वो दूध सफ़ेद होता है, उसमें जमी हुई जो मलाई होती है वो भी सफ़ेद होती है, तो उसके सफ़ेद होने का क्या कारण होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि जो गाय का दूध होता है वो थोड़ा सा पीलापन लिए हुए होता है, यानी कि उसमें हल्का पीलापन होता है। उसकी जो मलाई होती है, उसका मक्खन और उसका घी भी थोड़ा सा पीला होता है। तो इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था कि गाय के दूध में क्या क्या अच्छे गुण होते हैं, क्या क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, तो उसमें हमने बताया था कि वो दूध क्यों पीलापन लिए हुए होता है। और आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो दूध होता है उसमें सफ़ेदी का क्या कारण होता है। तो फ्रेंड्स, जो दूध में प्रोटीन होता है, प्रोटीन कैसीन नाम का जो प्रोटीन होता है, उसकी वजह से दूध जो होता है वो सफ़ेद दिखाई देता है। जब भी आप दूध पीते हैं तो आपके होठों पर जो वाइटनेस दिखती है, जो सफ़ेदी दिखती है, वो कैसीन नाम का जो प्रोटीन होता है उसकी उपस्थिति के कारण दूध सफ़ेद परत एक जमती है उसके ऊपर और वो सफ़ेद होता है, दूध सफ़ेद दिखाई देता है। और इसमें कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और कैसीन जो प्रोटीन होता है कैसीन नाम का, वो कैल्शियम के साथ मिलने की वजह से दूध सफ़ेद दिखता है, यानी कि दूध सफ़ेद नज़र आता है। दूध में जो मलाई होती है, तो क्रीमी दूध जो होता है वो ज़्यादातर सफ़ेद रंग का दिखाई होता है, यानी कि जितना ज़्यादा उसमें क्रीम होगा, जितनी ज़्यादा उसमें मलाई होगी, वो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतना ही उसका रंग सफ़ेद दिखाई देता है। और इसके साथ ही यदि आप दूध में से मलाई को हटा देते हैं तो वो हल्का सा पीलापन लिए हुए स्लेटी कलर का दिखाई देता है। और जैसा कि मैंने कहा, गाय का अगर दूध है तो वो हल्का सा पीलेपन लिए हुए होता है, यानी कि उसमें हल्का पीलापन होता है, क्योंकि गाय के दूध की यही सबसे सर्वोत्तम गुण होता है कि वह थोड़ा सा उसमें जो पीलापन होता है वही उसका सबसे सर्वोत्तम गुण है। और मैं अन्य दूधों की बात कर रही हूँ, अन्य किसी पशु के दूध की बात करती हूँ, तो वहाँ पे जो दूध होता है जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है, जितनी ज़्यादा मलाईदार होता है, उतना ही ज़्यादा वो सफ़ेद नज़र आता है। दूध के सफ़ेद नज़र आने का एक और कारण होता है दोस्तों, और वो है कि किसी भी वस्तु, जो भी कोई भी वस्तु होती है, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश को सोखने की वजह से परिवर्तित करती हैं। जैसे कि यदि लाल दिखने वाली वस्तुएं हैं तो सिर्फ लाल प्रकाश को ही परिवर्तित करती हैं। और दूध में कैसीन जो प्रोटीन होता है वो प्रकाश को पूरी तरीके से परिवर्तित कर लेता है, इसलिए दूध सफ़ेद नज़र आता है। और दूध में सबसे पौष्टिक तत्व है कैल्शियम विटामिन डी। तो कैल्शियम जो होता है वो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उसको मजबूत बनाता है, और विटामिन डी कैल्शियम को सोखने में भी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी दूध की सफ़ेदी के बारे में हमने बात करी, और दूध में कितने सारे गुण होते हैं इसके बारे में हमने बात की। और फ्रेंड्स, दूध में जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और विटामिन डी बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और सूरज की किरणों में भी विटामिन डी प्राप्त होता है आपको। तो अगर आप रोज़ सूरज की किरणें या धूप नहीं ले पाते हैं ठंड के समय में, तो आप दूध ज़रूर पीजिए, और दूध से आपको पूरा विटामिन डी मिल जाएगा, जो कि आपकी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ ही दूध और भी बहुत ज़्यादा गुण होते हैं दूध में, जैसे कि इसे सर्वोत्तम भोजन भी माना गया है। अगर आप अच्छे से पूरा भोजन नहीं कर पाते हैं या आप टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं, तो आपको दूध ज़रूर टाइम पे पीना चाहिए। तो दूध पीने का सही समय क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की जब भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो वो आप सबसे पहले देख सकें। और फ्रेंड्स, ये सब बिल्कुल फ्री है।